वेलकम टू द निकीस किचन। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन मसाला बिरयानी। सो देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। सो आपको आज की जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली होगी एंड ये जो रेसिपी है ये रमज़ान स्पेशल है। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं एंड इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है बट मेहनत से ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है। तो चलिए आज की जो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ आधा केजी चिकन लिया है, आधा किलो चिकन ले लिया है। इसके पीसेस मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीसेस कैसे दिख रहे हैं। इस टाइप से मैंने जो हर एक चिकन के पीस है इसमें मैंने मार्क लगा लिया है ताकि जो हमारा चिकन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट हो। सो देखिए, यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई मसाला लिया है। ये लगभग मेरा 4 से 5 टेबलस्पून होगा। ये हर एक आपको शॉप पे मिल जाएगा। सो देखिए, ये मैं ऐड कर रही हूँ चिकन में। मैंने चिकन को अच्छी तरीके से धो लिया था। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ये मैरिनेशन में ही हम सब कुछ डाल रहे हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैरिनेशन होगा। सो देखिए, अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैं कर चुकी हूँ। यहाँ पर अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर अब 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून कर्ड मतलब दही ऐड कर रही हूँ। अगर दही ज़्यादा खट्टा हो तो आप कम कर सकते हैं क्वांटिटी एंड अदरवाइज इतनी भी रख सकते हैं। सो देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया है सब कुछ एंड अच्छी तरीके से मैं हर एक पीस में जो मसाला है उसको अच्छी तरह मैं लगा दूंगी ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट हो एंड बहुत ही ज़्यादा जूसी लगे। अंदर तक इसका मैरिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, कम टाइम है तो 4 से 6 घंटे रखना ज़रूरी है। सो देखिए, ये मैंने चिकन जो बिरयानी होती है उसके मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। यहाँ आप ये राइस वेज बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं, मटन में भी यूज़ कर सकते हैं, हर एक उस बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से 4 से 5 पानी से धो लेंगे। सो देखिए, जैसा कि मैंने अभी पानी डाला है, अभी तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, अगेन मैं और ज़्यादा पानी डाल रही हूँ एंड अच्छी तरह मैं इसे 4 से 5 बार धो लूँगी। या तो इसका पानी जब तक वाइट नहीं हो जाता आपको तब तक इसे धोना होगा। सो देखिए, मैं इसे 4 से 5 पानी से धो लूँगी। अब मैं यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ले रही हूँ। आधा टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 2-3 इंच मैंने दालचीनी ली है, आधा टेबलस्पून मैंने लौंग ली है, 3 तेज़पत्ता, आधा चम्मच मैंने शाहजीरा, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 3 मैंने जावित्री के फूल लिए हैं एंड 2 मैंने बड़ी इलायची ली है। ये हमारे पूरे गरम मसाले रहेंगे। इसमें से मैं थोड़े से जो मसाले हैं खड़े गरम मसाले वो जब पानी उबालूंगी उसमें मैं डालूंगी एंड देन उसके बाद जितने भी मसाले हमारे बचे होंगे मैं इसको हल्का रोस्ट करके इसे पीस लूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि उसका यूज़ आपके कहाँ होगा। सो देखिए, अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो हमारी ग्रीन इलायची या हरी इलायची जो होती है मैंने यहाँ पर वो ऐड की। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है एंड बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। सो देखिए, बिरयानी तो सबको ही बनाते हैं, अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, बट बिरयानी सही तरीके से बनाना भी एक अपना हुनर होता है। सो देखिए, वैसे ये जो बिरयानी है इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट इसे बनाने के बाद आपकी पूरी फैमिली में वाहवाही होगी। सो जैसे कि आपको मैंने खड़े गरम मसाले की क्वांटिटी बता दी है कि आपको कितना लेना है कितना नहीं लेना है। सो देखिए, मैंने यहाँ एक कंटेनर में पानी अच्छे तरीके से उबाल लिया है। ये मैंने पानी उबाल लिया है। वहाँ पर मैंने आपको राइस की क्वांटिटी नहीं बताई है, मैंने आधा केजी चावल लिए थे। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर काली मिर्च ऐड की है, लौंग ऐड की है, यहाँ पर मैं बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने कर दी है एंड अब मैं यहाँ पर जो मेरी हरी इलायची उसको मैं थोड़ा सा फोड़ लेती हूँ एंड मैं इसमें पानी में ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पानी में इसलिए ये सब चीज़ें ऐड कर रही हूँ
ताकि जो हमारे राइस है उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। एंड जब भी आप राइस को बॉईल करें बिरयानी के लिए तो आप इसमें खड़े गरम मसाले डालना ना भूलें। सो देखिए मैंने 2 से 3 इलायची जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरा खड़ा गरम मसाला नहीं लिया है, मैं कुछ ही जो है हमारे खड़े गरम मसाले ले रही हूँ, बाकी के मैं सब पीस दूंगी। सो देखिए मैंने तेज पत्ता भी ऐड कर दिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ा सा शाहजीरा ऐड करेंगे एंड शाहजीरा ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह बॉईल होने देंगे। आपको पानी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है, आप उसके बाद ही राइस ऐड करेंगे। सो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो है हमारा पानी उबाल मार रहा है एंड इसको उबालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो अब इसके बाद में सबसे लास्ट में जो है ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा क्यूमिन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सो देखिए मैं यहाँ पर 3 स्पून लगभग रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि जो हमारे राइस है वो स्टिकी ना हो एंड टूटे ना। सो देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे कवर करके रख देती हूँ लगभग 5 मिनट। 5 मिनट हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे, अच्छी तरह इसमें उबाल नहीं आता जब तक आपको राइस नहीं डालना है। अदरवाइज आप जो है ठंडे पानी में ही डाल देंगे तो जो आपके चावल है वो ब्रेक होने लगेंगे और जो बिरयानी का मज़ा है वो बहुत ज़्यादा किरकिरा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा एंड राइस भी लुकवाइज अच्छे नहीं लगेंगे। पानी अच्छी तरह बॉईल हो चुका है, अब मैं यहाँ पर चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर चावल की क्वांटिटी है वो 1/2 kg ली है। अगर आप 1 kg चिकन बना रहे हैं तो 1 kg भी आप डाल सकते हैं। आपको चिकन या राइस की क्वांटिटी जितनी अपने अकॉर्डिंग रखना है आप रख सकते हैं। वैसे तो बिरयानी में आप जितना ही चिकन या मटन डालो वो कम होता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सो देखिए अब मैं यहाँ पर लगभग 3 स्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक यहाँ ज़्यादा डाल सकते हैं बिकॉज मैं यहाँ चावल को उबाल रही हूँ तो चावल में आप अगर कम नमक डालेंगे तो वो चावल पर चढ़ता नहीं है। सो देखिए धीरे धीरे करके जो हमारे चावल है वो बॉईल हो रहे हैं एंड अच्छी तरीके से उसमें बॉईल आ जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे करके बॉईल आ रहा है। 8 से 10 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। अगर आपके राइस जो है वो कम टाइम में बॉईल हो गए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसको उबालना थोड़ा सा काम जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, बट खैर ठीक है। अब जब हम बिरयानी की बात करें तो उसमें तो टाइम कंज्यूमिंग होता ही है। तो देखिए जैसे कि मेरे जो राइस है वो धीरे धीरे करके पक रहे हैं। आपको इसको लगभग 90% तक पका लेना है। जो 10% बचेंगे वो आप जब दम देंगे बिरयानी में तो आप इसमें उसको कवर कर सकते हैं। सो देखिए जो मैंने राइस है वो अलग कर ली है, एक बड़ी सी प्लेट में मैंने राइस को निकाल लिया है एंड इसको फैला देंगे। आप चाहे तो आप इसको एयर में भी हवा में भी रख सकते हैं ताकि जो आपके राइस है वो थोड़े से ठंडे हो जाएं एंड ये एक दूसरे से चिपके ना। सो देखिए मेरे 4 से 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरा जो मैरिनेशन है चिकन का वो भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जूसी हो चुका है हमारा चिकन, प्रॉपर तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट से हमारा जो मैरिनेशन है वो कंप्लीट हो गया है। सो देखिए मैंने यहाँ पर 8 प्याज है जो कि मैंने फाइन चॉप करके काट ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप इस टाइप से अपने हैंड्स की हेल्प से मैश कर लें ताकि जो आपके जो आपने प्याज काट के रखी है वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाए। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है लगभग 4 स्पून एंड मैं यहाँ पर जो प्याज है वो ऐड कर रही हूँ। हम प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सॉरी गाइस ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्याज को फ्राई करना, सो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। एंड इसको आपको जो फ्राई करना होगा तो आपको इसको जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। सो देखिए अच्छा कलर आ गया है मेरी प्याज का, आपको इस स्टेज तक इसे फ्राई करना होगा। सो देखिए धीरे धीरे करके जो मेरी प्याज है मैं उसको निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे, थोड़ी सी उसमें ही डले रहने। अब मैं यहाँ जो मेरे चिकन के मैरिनेटेड पीस हैं मैं यहाँ पर वो ऐड कर रही हूँ। सो देखिए ये मैंने ऐड कर दिए हैं
जो उसका आपका मैरिनेशन का जो लिक्विड बचा होगा पानी, वो भी आप इसी में पूरी तरीके से डाल दीजिए एंड आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप नमक एंड मिर्च अपने स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ लगभग 1.5 चम्मच कोरिएंडर मतलब धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, यह मैंने कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी एंड इसका जो है मसाला पूरा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। सो देखिए, मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो मैंने गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला था जिसको मैंने रोस्ट करके पीस कर रखा था, यहाँ पर मैं वो ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैं यहाँ 1/2 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर चुकी हूँ। सो देखिए, अगेन मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। हमें इसे जब तक पकाना है ताकि हमारा जो पाउडर्ड मसाला है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए एंड जो हमारे चिकन के पीस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमें स्वाद दे। सो देखिए, अब मैं यहाँ अगेन पानी ऐड कर रही हूँ। मैं पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें जो ग्रेवी रखना है बिरयानी के लिए, जितने हमारे राइस है एटलीस्ट हमें उतना तो बनाना होगा। जैसे कि आपको पता है कि हम मसाला बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा तो होगी ही होगी। सो देखिए, जो मेरे राइस है वो प्रॉपर तरीके से ठंडे हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एक एक राइस का जो दाना है वो एकदम अलग अलग है एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे हमारे जो राइस है वो दिख रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्योंकि हमने इसे बॉयल किया है, अच्छे प्रोसेस में से बॉयल कर लिया है। सो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा चिकन है वो भी पक गया। आप इसको कुछ टाइम के लिए कवर करके भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर लिया है दूध में भिगाकर एंड थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल के, 1/4 पिंच मैंने फूड कलर डाला था पानी डाल के एंड मैंने यहाँ पर जो है थोड़ी सी धनिया पत्ती एंड जो मैंने प्याज फ्राई करके अलग कर ली थी थोड़ी सी, मैंने यहाँ पर वो ले ली है। एंड आपको अगर ज़्यादा खट्टा खाना पसंद है तो आप नींबू की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 1.5 जो नींबू होता है, 1 और आधा मैंने यहाँ पर वो लिया है जिसका मैंने रस अच्छी तरीके से निकाल लिया था, यहाँ पर मैंने वो सब ले लिया है। ये हमारे लास्ट के 4 इंग्रेडिएंट्स रहेंगे। सो देखिए, अब मैं यहाँ एक कंटेनर ले रही हूँ। कंटेनर में मैं थोड़ा सा ग्रीस कर देती हूँ ऑयल को, ताकि जब आप इसमें लेयर बनाएं तो क्या होगा कि आपके जो कंटेनर में लास्ट में राइस नहीं चिपकेंगे। सो देखिए, मैंने यहाँ ब्रश की हेल्प से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, तो अब हम लेयर वाले प्रोसेस में आ चुके हैं। लेयर बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, बट लेयर बनाने में बहुत अच्छी जो लेयरिंग होती है एंड जो फिर लेयर के बाद जो कटिंग होती है बिरयानी की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए लेयर वाली बिरयानी ही मैं बनाती हूँ। सो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब मैं इसमें जो मेरी ग्रेवी और जो चिकन के पीसेज है वो धीरे थोड़े थोड़े करके मैं लेयर बनाने के लिए इसमें डालूंगी। ग्रेवी आपको आपके राइस के अकॉर्डिंग रखना होगा, ताकि आप इतनी भी कम ना रख दें कि आपके जो राइस है वो पूरे सूखे सूखे रह जाएं। और स्पेशली जब आप मसाला बिरयानी की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखना ज़रूरी होगा। सो देखिए, अगेन मैं राइस की जो लेयर है वो ऊपर इसमें कवर कर रही हूँ। ये देखिए, इस टाइप से आप जो बिरयानी की लेयर है वो लगाएंगे। ये देखिए, मैंने राइस की जो लेयर है वो कंप्लीट कर ली है। अब मैंने जो पिसा हुआ गरम मसाला, जो मैंने खड़ा गरम मसाला रखा था पीस करके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि जब आप बिरयानी को दम दें, जब आपका घर जो वो है खड़े गरम मसाले की खुशबू से एकदम महक जाए। एंड ध्यान रखिए कि जब आप इसमें दम देते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है एंड आप इसको जब भी दम दें तो आपको जो गैस की फ्लेम है वो लो रखना है। अब मैं यहाँ अगेन वैसे ही चिकन के पीस को डाल रही हूँ, जैसे मैंने पिछला प्रोसेस किया था, चिकन डाला था फिर उसके ऊपर राइस डाला था, ऐसे करके आप लेयर बाय लेयर आपकी जितनी क्वांटिटी है आप जमा लेंगे।
ये देखिए अब मैं राइस का जो लेयर है वो यहाँ जमा रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए फिर से मैंने एक राइस का जो लेयर है वो लगा दिया है। ये देखिए ये मेरा ऑलमोस्ट लास्ट लेयर था। अगर आप हाफ के जी चिकन या हाफ के जी राइस की बात करें तो इसमें दो या चार लेयर ही आ सकती है। सो देखिए अब मैं यहाँ पर जो केसर है, मैंने केसर को दूध में भिगा के रखा था, मैं यहाँ पर वो डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा जो आपके राइस है वो बहुत ज़्यादा नरम रहेंगे एंड बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। सो आप ये स्किप ना करें, ये ज़रूर डालें। ये बहुत, आप उसमें केसर डालें ना डालें, आप थोड़ा सा दूध जो है वो बॉयल करके भी रख सकते हैं एंड इस टाइप से आप थोड़ा सा ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है नींबू का रस, मैं यहाँ वो डाल रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं, अदरवाइज जो डेढ़ लेमन की क्वांटिटी है वो सफिशिएंट होगी। बिरयानी तो सबको ही बनाते हैं, अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, बट जो ये बिरयानी है इसका एक अलग ही मज़ा है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब मैंने जो हरी मिर्च है वो दो स्लिट में काट लिए थे एंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए इस टाइप से डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ इसमें फूड कलर जो है वो डाल रही हूँ। थोड़े थोड़े दूर पे डालना है फूड कलर ताकि जो कलर है वो मिले ना, थोड़े से जो आपके राइस हैं वो वाइट रहें एंड थोड़े से जो है वो कलरफुल रहें। ये आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको फूड कलर नहीं इस्तेमाल करना है तो आप अवॉइड कर सकते, अदरवाइज आपको यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो देखिए अगेन मैं यहाँ पर जो मेरा खड़ा गरम मसाला था रोस्टेड वाला, मैं यहाँ अगेन वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये मैं हर एक लेयर में इस्तेमाल कर रही हूँ। सो देखिए अब जो मेरे, मैंने जो प्याज को तल के रखा था एंड जो मेरे हरा धनिया था मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है। ये देखिए इस स्टेप से मैंने कर दिया है। अब मैं इसे जिस प्लेट से कवर करूंगी, मैं पहले देख लेती हूँ कि ये प्रॉपर कंटेनर पे आ रही है या नहीं आ रही। तो ये प्रॉपर आ रही है। सो देखिए अब मैंने थोड़ा सा जो आटा है वो गूंथ लिया था, अब मैं इसे एयरटाइट बनाऊंगी। सो देखिए मैंने थोड़ा सा आटा गूंथ लिया था, जो आटा मैंने गूंथा था मैं उसकी हेल्प से अब इसे एयरटाइट बनाने के लिए जो मैं इसके साइड वाले जो हमारी जो कंटेनर है मैं यहाँ पर आटा थोड़ा थोड़ा करके चिपका दूंगी ताकि जो हमारा आटा है वो प्रॉपर तरीके से चिपक जाए एंड इसकी जो अंदर जो भाप बनेगी वो बाहर नहीं आएगी एंड बहुत ही अच्छे तरीके से दम होगा बिरयानी में। ये देखिए इस टाइप से जो आटा है वो मैंने लगा दिया है। अब मैं जिस प्लेट से इसे कवर करूंगी मैं यहाँ पर वो रख दे रही हूँ एंड मैं इसे अच्छी तरीके से इसे प्रेस कर दूंगी। सो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर रही हूँ। आपको अच्छी तरीके से इसे प्रेस कर देना है ताकि जो अंदर भाप बने वो बाहर ना आए एंड प्रॉपर तरीके से बिरयानी जो है वो दम भी हो। चलिए तो अब हम बिरयानी को जो है वो दम दे देते हैं। यहाँ पर आप दम इस टाइप से देंगे कि आपकी जो है आप 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर रख लें, देन आधे घंटे के लिए आप लो फ्लेम पर रख लें, अच्छी तरीके से बिरयानी को दम कर लें। मेरी बिरयानी जो है वो प्रॉपर तरीके से दम हो गई है एंड देखिए मैंने इसे जिसका कवर था वो हटा लिया है। सो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिरयानी की बहुत ही अच्छी जो है लुक दिख रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। जो मेरा घर है वो पूरी तरीके से बिरयानी से महक चुका है। सो देखिए अगर आप ऐसी बिरयानी बनाएंगे तो आपकी सब लोग तारीफ करेंगे। सो देखिए अब मैं आपको मिक्स करके भी बता रही हूँ कि कितनी अच्छी जो है लेयरिंग बनी है एंड बहुत ही अच्छा इसमें जो है कलर भी आया एंड बहुत ज़्यादा अच्छा इसका
टेस्ट भी है। सो देखिए बिरयानी बनकर जो हमारी रेडी हो गई है, ये मसाला बिरयानी, इसमें मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी जो नॉर्मल बिरयानी की होती है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। शुक्रिया।